दोस्तों आज टीम इंडिया इंदौर में अपना तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला खेलेगी और आज इस ओडीआई मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया ओडीआई की नंबर वन टीम बनना चाहेगी। तो दोस्तों कैसा रहेगा इंदौर का मौसम, क्या बारिश के चांसेस रहेंगे, कैसी रहेगी विकेट, पिच रिपोर्ट क्या है और क्या ड्यू फैक्टर रहेगा नहीं रहेगा बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको मौसम का हाल कैसा रहेगा, विकेट पिच क्या कहती है, साथ ही ड्यू फैक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मौसम का हाल बताते हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा और मौसम की बात करें तो दोस्तों एकदम क्लीन मौसम है, मात्र 1% बारिश के चांसेस हैं, यानी कि लगभग ना के बराबर बारिश के चांसेस हैं और यह मुकाबला आपको पूरा देखने को मिलेगा। विकेट की बात करें तो दोस्तों बहुत ही शानदार विकेट है, बैटिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया विकेट है और यही वो मैदान है, यही वो विकेट है जहाँ वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन जड़े थे। जी हाँ दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग का हाई स्कोर है ये, ओडीआई में 219 रन जड़े थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों विकेट कितना अच्छा खेलने वाला है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर एवरेज की बात करें दोस्तों फर्स्ट इनिंग में तो 317 रन का एवरेज है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में 317 रन का एवरेज है और सेकंड इनिंग में लगभग 260 का एवरेज है इस विकेट पर। तो दोस्तों विकेट एकदम शानदार है, बैटिंग के लिए अनुकूल है और इस मैदान पर आपको रनों की बौछार दिख सकती है, 350 भी जा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको यही बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम जो लगभग दो मैचों में फ्लॉप रही है वो इस मैच में फाइट बैक कर सकती है क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बल्लेबाजी भी अच्छी है, हालांकि वो चले नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये विकेट क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी है तो यहाँ पर वो फाइट बैक जरूर कर सकते हैं। दोस्तों बताते हैं आपको ड्यू फैक्टर दोस्तों इस मैदान पर जरूर रहने वाला है, ड्यू फैक्टर का इसमें काफ़ी अहम रोल रहेगा। तो देखने वाली बात होगी कि टीमें क्या फैसला करती हैं, पहले बैटिंग लेती हैं, बॉलिंग लेती हैं, क्या करती हैं, लेकिन ड्यू फैक्टर यहाँ पर रहने वाला। तो दोस्तों ये था मौसम का हाल, पिच रिपोर्ट, विकेट और साथ ही साथ ड्यू फैक्टर की जानकारी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।